आम आदमी पार्टी जिला इकाई की ओर से आज बढ़ती महंगाई को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी महिला विंग की ओर से बर्तन बजाकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार हो या फिर राजस्थान सरकार, दोनों ही आम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डाल रही है और किसी की सुनवाई नहीं हो रही। पेट्रोल हो या फिर डीजल या फिर गैस के दाम सभी लगातार महंगे हो रहे हैं, जिसके कारण हर चीज महंगी हो रही है। घर का बजट भी गड़बड़ा गया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में आम जनता इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, और महिलाओं के ऊपर ही जो महिला आजकल उत्पीड़न हो रहा है प्रदेश में, महिला का बराबर रेप केसेस हो रहे हैं, पॉक्सो केसेस में बढ़ोतरी हो गई है, और प्रदेश की कांग्रेस सरकार है कि कान में रुई ठूस करके बैठी है, उसको कुछ सुनाई भी नहीं देता है और कुछ देखती भी नहीं है। बस उनके उनके सामने सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। महंगाई है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार से संवेदनशील नहीं है इसके लिए। जब महंगाई बढ़ेगी तो नेचुरली रहना खाना पीना बढ़ता है, उसकी महंगाई बढ़ती है तो उसके कारण महिला का बजट गड़बड़ा जाता है, उत्पीड़न का शिकार है, बजट के अंदर प्रॉब्लम है। बिजली है तो राजस्थान बिजली का उत्पादन करता है और दिल्ली के अंदर उत्पादन नहीं होता है। दिल्ली में जो प्रदेश सरकार है वो खरीद करके बिजली सस्ती देती है और यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली मिलती है। इन्हीं सब का विरोध करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, और मोदी जी जिस तरीके से थाली और चम्मच बजा करके कोरोना भगाते हैं तो महंगाई भगाने का प्रयत्न है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर राजस्थान में आपने हाल ही में देखा होगा कितनी सारी महिलाओं के खिलाफ बलात्कार की घटनाएं हुई है और पोस्को केसेस हुए हैं। उसके विरोध में आज हमारी महिला शक्ति ने यहाँ अजमेर में प्रदर्शन का आयोजन किया है। साथ ही जो महंगाई की मार पड़ रही है, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों ने लोगों को के खिलाफ लूट मचा रखी है। एक सरकार डीजल पेट्रोल के नाम पर वसूली किए जा रही है लगातार 2-3 साल से, जब सस्ते होते थे इंटरनेशनल मार्केट में, जब भी महंगी यहाँ पर डीजल पेट्रोल बेची जाती थी, और अब बढ़ रहे हैं तो दिन दुगने रात चौगने वसूली हो रही है डीजल पेट्रोल के नाम पर। राजस्थान में भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भारी टैक्स लगा करके राजस्थान गवर्नमेंट ने लूट मचा रखी है और भ्रष्टाचार मचा रखा है। इसके खिलाफ हमारी महिला शक्ति ने आज यहाँ पर अजमेर में आयोजन किया है प्रदर्शन का। देवेंद्र शास्त्री, सचिव।